लॉकडाउन टू में लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इन समस्याओं से निपटने के लिए माननीय ठाकुर जयराम जी ने अपना पूरा जोर लगाया, और चाहे वो केंद्र से एड लाने की उनकी प्रयास रहे हो या यहाँ पे स्वयं जो है एक फ्रंट वॉरियर के रूप में माननीय ठाकुर जयराम जी ने काम किया, उनके साथ साथ जो है हमारे जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मैं उन सभी का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपना तन बन धन से जो है इस कोरोना काल में लोगों के जीवन को बचाने के लिए कार्य किया है। इसके साथ साथ हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और जितने हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे सफाई कर्मचारी है, फायर सर्विसेज के लोग हैं जिन्होंने जो है बड़ा ही सफाई के ऊपर ध्यान रखा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हमारे पत्रकार हैं, पुलिस के लोग हैं, इन सभी ने जो है बड़ा अच्छा कार्य किया है, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने सोलन में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने गुरुद्वारे हैं और उसके साथ मिली हुई कमेटियाँ हैं, राधा स्वामी सत्संग ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इन्होंने हॉस्पिटल के लिए जगह भी उपलब्ध कराई है। रोटरी क्लब और इसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो लॉन क्लब वगैरह हो और गूंज है, ऐसी कई और जो संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें कार्य किया है। इसके साथ साथ हमारे और भी शूलिनी क्लब है और पहल है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। कंडा घाट में भी काफ़ी सारी हमारी संस्थाएं हैं जिन्होंने कार्य किया है। पंचायत के जितने हमारे प्रधान हैं और कॉरपोरेशन में जितने हमारे कॉरपोरेट नए इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा कार्य किया है, मैं सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस कोविड काल में सभी अपना ध्यान रखें, मास्क डबल लगा कर रखें और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन ऑफ दी हैंड्स जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी जो है एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।